स्टार्ट करते हैं। चलो कीप नोटिंग है ना एवरीवन, फटाक फटाक नोट बनाते जाना है। ऑलराइट निखिल, ऋषभ, एनीवन, एक राउंड थम्स अप दे दो निखिल, गाइस नोट्स बनाना है, फेयर इनफ, ओके ठीक है। चलो सुबह तो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट जस्ट जस्ट अ मिनट, ओके सो सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हेन वी से इक्वेशन इट मींस इक्वेटिंग समथिंग, राइट? सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वेटिंग सम एक्सप्रेशन इन एक्स टू जीरो, राइट? तो अगर आप देखो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन है ना, एंड ए एक्स प्लस बी इज अ लीनियर एक्सप्रेशन है ना। इफ आई से एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, Now, why do I call it linear? Because power 1 है, ठीक? तो x कितना हो गया? Minus b by a, ठीक? इसको अपन linear बुलाते हैं। You go a step further into this, जैसे जैसे आप highest power of x बढ़ाते जाओगे, वो polynomial, general polynomial बनते जाता है। But, जो आज का first concept है, जो अपने को देखना है, let's look at fx is equal to ax square plus bx plus c, right? Where a is not equal to 0. Why a not equal to 0? Because आपको highest power x का 2 रखना है, right? This is called a quadratic expression. 20-25 minutes है ना, बहुत सारी चीजें बहुत basic लगेंगी, but इतना समझ के चलना है ना कि इतना जानने से question बनता है, एक बार वो thought clarity लेते रहना है and fast fast लिखते जाना है, all right? Harsh, ठीक है? Now a is not equal to 0 because x का highest power 2 चाहिए अपने को quadratic, ठीक? All right. Now see, if you equate this fx to 0, that is when we say it becomes a quadratic equation. ax square plus bx plus c is equal to 0. Now since a is not equal to 0, I can divide both sides with a. Thik? What do I get? I get x square plus b by ax plus c by a is equal to 0. Thik hai? That is what I get. Now, this is one way of writing this equation. In terms of roots, hai na, I can also express this same equation as, agar main alpha beta roots lu, hai na, toh main isko likh sakta hu, x minus alpha into x minus beta is equal to 0. Kyunki, agar aap dekho, Utkarsh, Abhishek, everyone, x ko alpha aur beta put karenge, toh iska value 0 ho jayega. Roots basically are those points at which the value of the equation comes to zero, right? Number of roots is equal to the highest power of x, which means the degree of the polynomial. Number of roots iske barabar hota hai, theek hai? So, yahan par quadratic equation mein two roots hote hai. Simple baat hai, hai na? Ab, in dono relation ko agar apan dekhe, x square plus b by ax plus c by a is equal to zero, and x minus alpha into x minus beta is equal to 0, इन दोनों को equate करेंगे, तो एक sum of root, product of root का interesting concept आ जाता है, ठीक है? उसको तुरंत से अपन लिखते हैं और देखते जाते हैं, है ना? Aryan, keep noting, है ना? अभी आए हो, नोट करते जाना है, ठीक है? x square plus b by a x plus c by a, को let's compare with x minus alpha into x minus beta, ठीक है? ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना, इस पे क्वेश्चन बनता है, तो लेट्स गो थ्रू दिस। सो इफ यू एक्सपैंड द राइट हैंड साइड, व्हाट यू गेट? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इज प्लस अल्फा बीटा, राइट? ओके, इधर क्या? इधर सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। नाउ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स, दिस इज समथिंग विच यू कैन डू इन एनी पॉलिनोमियल, ओके? तो यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1, इधर भी 1, फेयर इनफ, ओके। इधर x का कोएफिशिएंट क्या है? b by a, और इधर x का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो इससे b by a इज माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो पहला रिलेशन क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b by a। यही हो जाता है सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस b by a फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? एंड
अगर आप कंपेयर करो कॉन्स्टेंट को सी बाई ए क्या है अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, दिस बिकम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब ये आपको फॉर्मूला क्वाड्रेटिक का याद भी रखना है, ठीक है, ये दोनों फॉर्म ऑफ द इक्वेशन भी याद रखना है, और ये समझना है कि होता क्या एक्चुअली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना अगर इक्वेशन आपका, तो पहला में सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस बी बाई ए, ये साइन ऑल्टरनेट करता है, तो अगर जनरल पॉलिनोमियल होगा ना तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कंटिन्यूड हो जाता है, समझे। मैं इसको एक बार नीचे लिखूंगा, जस्ट आई एम वेटिंग फॉर 30 seconds, इफ somebody इज नोटिंग इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे लिखते जाएंगे। फॉर एनी वन हु ज्वाइन लेट, इनिशियल 15-20 minutes हम लोग बेसिक्स कर रहे हैं जो कैट के लिए रेलिवेंट है, देन वी विल गो इन टू सॉल्विंग, एक बार फास्ट स्क्रिबल करते जाना है। I'll just wait for 30 seconds here. All right. Now, further देखो, तो what am I saying? ये minus plus continued हो जाता है। इसका मतलब अगर cubic equation बना देना, ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to zero, ठीक है? तो simple एक बार quadratic के concept को यहाँ पे apply करते हैं, ठीक है? Let's keep this interactive, है ना? And guys understand, कभी cubic एक बहुत छोटी-छोटी चीजें ना mind में clarity और confidence भी लाना चाहिए as we reach. क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना या बाई क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आएगा नहीं, कैट में आता नहीं है, ठीक है? तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, है ना? इसके कितने रूट्स होंगे फटाफट चैट में बताओ, हाउ मेनी रूट्स विल वी हैव, जल्दी से बताओ, नंबर ऑफ रूट्स 3, करेक्ट, क्योंकि हाईएस्ट पावर एक्स का क्या है 3, ओके। तो अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स, ओके। तो तीन रिलेशन बनेगा, जितना रूट उतना रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सिंगल, देन सम ऑफ रूट्स टू एट अ टाइम, देखो अल्फा बीटा अल्फा गामा एंड बीटा गामा, ओके, एंड लास्ट ऑल थ्री टुगेदर, यानी अल्फा बीटा गामा, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो इनका इक्वेशन, मैंने क्या कहा था, साइन ऐसे बढ़ता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऑल्टरनेट कर जाता है, तो सिंपल अब याद कर लेना है, पहला वाला क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, दूसरा क्या हो जाएगा प्लस सी बाई ए, तीसरा क्या हो जाएगा माइनस डी बाई ए। एक बार थम्स अप दे दो या नोट करके या गॉट इट लिख दो अगर ये समझ गए, किसी भी जनरल पॉलिनोमियल के लिए ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वो बाई ए वाला जो क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है ना, ये एस्केलेट मतलब बढ़ा सकते हैं हम लोग। उत्कर्ष क्लियर, गुड, निखिल क्लियर, वेरी गुड, हर्ष गॉट इट, ऑल राइट, जसलीन इज दिस क्लियर, ऑल राइट, सुब्रत होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो लेट्स बी वेरी क्लियर एंड कॉन्फिडेंट, अगर क्यूबिक आ रहा है ना, इसका मतलब रूट्स का कोई फॉर्मूला लगाने को आपको नहीं पूछा जाएगा, या तो ऑप्शन हिट एंड ट्रायल यूज करना है, या तो ये वाला रिलेशनशिप यूज करना है ना, कैट इतना ही पूछता है, ठीक है। सो दिस वॉज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर टूडे, वेयर वी सिंपली लर्न हाउ टू ट्रीट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एज एन इक्वेशन, हाउ टू गेट ये अल्फा बीटा रूट्स सम ऑफ रूट्स का रिलेशनशिप, ठीक है, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड लेट्स सी आज का, अगेन आई वुड रिक्वेस्ट जस्ट कीप स्क्रिबलिंग, है ना, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू रिमेंबर, ओके। सो लेट्स सी, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ओके। I can divide both sides by a because a is not equal to 0. We have already seen this. ठीक है, what do I get? X square plus b by a x plus c by a is equal to 0. ठीक, okay. Now convert this into a perfect square, है ना, plus constant वाला form. तो एक बार ध्यान से देखना, अब अगर मैं ऐसे लिखता हूं एक्स, इसको हाफ कर देता हूं, ठीक है, एक्स वाले कोएफिशिएंट को साथ साथ लिखते जाना, ठीक है।
तो व्हाट डू आई गेट, x a plus b whole square, क्या मिलेगा, a square मिलेगा, यानी x square आ जाएगा, plus b square by 4 a square आएगा, वो constant है, ठीक है, और third term क्या आएगा, 2 into x into b by 2a, मतलब ये 2 कट गया, तो b by a x आ जाएगा, b by a x, यानी ये वाला term आ जाएगा, ओके, तो मतलब इसमें extra क्या आया, extra आया b square minus 4a square, right, so I can write this expression like this, yes, है ना, now, इस एक्सप्रेशन को आप कर रहे हो इक्वल टू जीरो, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में ब्रेक करना, यही फॉर्म जो है ना गाइस क्वाड्रेटिक का मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने में भी यूज होता है, ठीक है, मैं इसको एक बार लिख लो, मैं एक मिनट बस वेट कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड किया क्या हमने, ये दो फैक्टर है ना, इनको निकालना था बाय कन्वर्टिंग दिस इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, जो ये करने में एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट आया b square by 4a square, उसको इधर माइनस कर दिया, that is what we have done, ठीक है, now, if you look at this, अब इसको सिंपल अगर अपन सॉल्व करेंगे ना, इसको इस साइड ले जाएंगे, है ना, एंड इसका रूट को हटाएंगे, तो what we will get is, x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a, ये b square minus 4ac को, since ये under root quantity है, इसको हम लोग डी बुलाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, सो व्हाट डू वी गेट एज रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू, नाउ दिस डिस्क्रिमिनेंट गिव्स अस सम वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप्स, सो दिस एक्स, व्हेन आई से दिस इज बेसिकली अल्फा बीटा दैट वी वर टॉकिंग इन द बिगिनिंग, जब एक प्लस लोगे तो एक अल्फा आ जाएगा, जब माइनस लोगे तो बीटा आ जाएगा, दो अलग रूट आ जाएगा, है ना, दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर रूट्स ऑफ quadratic equation using the discriminants. All right, I'll wait for around 20 seconds. Just note this down and then we proceed. It's very logical, right? इसको अगर घर पे किसी को अगर हल्का फुल्का doubt लग रहा है ना, करके देखना, ये form से ही simple math लगा के ये relations आते हैं, है ना? We don't have to complicate this in our mind. The root over quantity is what we call the discriminant, okay, uska naam hai discriminant, aur koi fancy cheez nahi hai, okay, now so now when we see that this discriminant is under root, this will play some roles, you know, discriminant is nothing but b square minus 4ac, okay, let's proceed, before I move into the next concept on what roles discriminant plays, let me have a very very basic fun, just the very fundamental of roots, okay, let me take a very simple equation, all of us have studied this in school, बट एक बार जस्ट एज आई सेड रन थ्रू कर रहा हूँ जस्ट फॉर क्लैरिटी ऑफ थॉट, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक मेथड होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, है ना, ये मैं इसीलिए जस्ट लिख रहा हूँ कि तुम भी उतना ही याद रखें, तुमको भी है ना हमेशा याद रहना चाहिए ये, राइट, तो लेट्स डू दिस, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू सिक्स इंटू वन बाई टू ए, यानी टू इंटू वन, तो क्या आ गया माइनस फाइव प्लस माइनस 21, राइट, ओके, तो ये अपना सॉरी हाँ ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस सिक्स बाई टू यानी माइनस थ्री, और माइनस थ्री कॉमा माइनस टू आ गया, तो ये होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड फॉर फाइंडिंग रूट्स, दूसरा मेथड होता है वो बचपन की यादें, है ना, ये जो नंबर है इसको ऐसे सम में ब्रेक करो कि ये इसका प्रोडक्ट बन जाए, फैक्टराइजेशन मेथड कहते थे इसको, याद करो स्कूल की गलियां, है ना, एंड यू देन स्प्लिट इट, राइट, एंड देन यू गेट एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस टू टाइम्स एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया एक्स का वैल्यू माइनस टू माइनस थ्री, ये भाई ये वाला वो वाला फॉर्म है ना, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा वाला, और ये कौन सा फॉर्म है डिस्क्रिमिनेंट वाला, ऑलरेडी हम लोग थ्योरेटिकली ये देख चुके हैं, सिंपल सा इक्वेशन पर मैंने इसको जस्ट एक मतलब टू बी ऑन द सेम पेज एक बार लिख लिया है, एक बार जल्दी जल्दी थम्स अप दे दो इफ वी आर क्लियर, आगे बढ़ते जाएंगे, नोट करते जाना है ना,
I'll just wait for 30 seconds, everyone, and then we proceed. Okay. Another 10-15 seconds, then we will proceed. All right. So, sum of root, product of root, and how to find the roots, things are very clear in our mind. Now, let's slowly move to the next concept where we start moving towards maxima minima, right? And understanding the role of discriminants. Okay, now bahut sari cheeze yaar, these you might say ki ye sab basic kyun bata rahe, but point is ki aata exam hai na, that is why we are discussing this. Fx is equal to ax square plus bx plus c, right? Now, if you look at this equation, the value, the expression, the value of a, this determines the nature of the graph. Okay? Do situation hum log dekhenge. I want everyone to note this down and be clear about it. Ye yaad bhi rakhna hai. A is greater than 0 or a is less than 0, pe depending, graphical kaisa hota hai, dekho. A greater than 0 mein graphs अपवर्ड होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, एंड ए लेस देन जीरो है ना, में ग्राफ आपका उल्टा होता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या नीचे हो सकता है. अब तीनों स्टेट देखो, ये वाला है ना बेस्ट केस होता है जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं, द बेस्ट. आई एम जस्ट, यस यस, जस्टलीन, आई विल स्क्रॉल अप. Is it fine, Abhi, Jasleen? हाँ, ये लिख लो, फिर I'll come down. Done? Okay. So, सब लोग देखो, ये ग्राफ का नेचर जो है वो a greater than 0 या less than 0 पे होता है. ये दोनों में देखो, ये वाला केस, पहला केस में ना दो बार कट कर रहा है, तो जब दो बार कट कर रहा है ना, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो. इसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल एंड अनइक्वल रूट्स, राइट ना? टू टाइम्स कटिंग, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो. जब एक बार एक पॉइंट पे कट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, रियल एंड इक्वल रूट्स, कंडीशन बन जाता है ये डिस्क्रिमिनेंट का, रियल एंड इक्वल रूट्स. और जब कट ही नहीं कर रहा है ना, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, discriminant less than 0, imaginary roots. This is how the condition works. Also, let us understand, jab a greater than 0 hai, dhyan se dekho, maxima to infinity hoga, to aap keval minima nikal sakte ho. Dekh ke dekho, upar ka point pakad hi nahi paoge na, aur a less than 0 hai, to maxima nikal sakte ho. Ab samajh mein aa raha hai ki kaise link kar raha hai, maxima minima se start ho raha hai. एक बार नोट करना है और गॉट इट लिखना है या थम्स अप देना है, वंस यू आर डन फिर अपन आगे बढ़ेंगे. सुब्रतो, क्लियर? ओके, ए ग्रेटर देन जीरो है, ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होता है. ए लेस देन जीरो है, तो इन्वर्टेड पैराबोला होता है. तो अपवर्ड पैराबोला है, तो मैक्सिमा तो इन्फिनिटी जाएगा ना, वो तो बढ़ते ही जाएगा, तो आप मिनिमा निकाल सकते हो बस. ठीक है, एंड अगर ए लेस देन जीरो है, इन्वर्टेड पैराबोला है, तो आप क्या निकाल सकते हो? मैक्सिमा निकाल सकते हो. देखो, इसका पीक निकाल पाएंगे ना अपन, अगर पूछेगा कोई, तो सिंपल सी बात है ना? तो इस पर भी क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमा मिनिमा निकालने पर. ठीक, आई विल वेट फॉर 10-15 सेकेंड्स, देन वी प्रोसीड.
तो एक बार इसको समअप कर देता हूं। देखो, ए ग्रेटर देन जीरो मतलब अपवर्ड पैराबोला, तो क्या निकाल सकते हैं? मिनिमा। ए लेस देन जीरो डाउनवर्ड पैराबोला, क्या निकलेगा? मैक्सिमा। ओके, और हम लोग क्या देखे? हम लोग ये देखे कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो एंड लेस देन जीरो। ठीक, तीनों कंडीशन का क्या मतलब है? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो राइट, मतलब टू अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, इसमें इमेजिनरी। ठीक, और यहां पर रियल एंड इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो है तो रियल एंड इक्वल रूट। ये पांच कंडीशन बेसिकली इन ग्राफ्स के थ्रू अपने को एकदम टॉप ऑफ माइंड पे क्लियर रखना है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 10-15 सेकेंड्स। इफ एनीबडी वांट्स टू समराइज इन योर कॉपी, डू दैट। ठीक है, अब आगे देखो। अब ध्यान से देखो, मैक्सिमा मिनिमा नोट भी करना है ना, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बिफोर आई राइट डाउन, आई वांट यू टू नोट सम थिंग्स। ओके, पहले याद कर लेते हैं, है ना? ये वैल्यूज याद रहनी चाहिए, टाइम बचता है। मैक्सिमा मिनिमा हैपेंस एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स? तो इट हैपन्स एट एक्स इज इक्वल टू -b/2a। पहले लिख रहे हैं, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बट नोट करना है पहले। एट एक्स इज इक्वल टू -b/2a एंड व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू? द वाई वैल्यू है ना इज -d/4a। वी नो व्हाट डी इज राइट, डी इज b² - 4ac। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो। सबसे पहले दिस इज द मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू। तो मैक्सिमा मिनिमा का वैल्यू -d/4a होता है ना, और मैक्सिमा मिनिमा ऑकर्स एट हाँ ऋषभ, एक बार फिर से बता रहे हैं। देखो, वी आर जस्ट नोटिंग डाउन मैक्सिमा मिनिमा ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इट ऑकर्स एट एक्स इज इक्वल टू -b/2a। ठीक है, एफ एक्स वेयर द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ax² + bx + c। ठीक, एंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू y राइट इज गिवन एज -d/4, माइनस डिस्क्रिमिनेंट बाई फोर। एक बार ये नोट कर लेना है। ठीक है, नाउ हाउ डू दीज वैल्यूज कम? इट इज वेरी सिंपल, वी यूज द सेम यू नो द फॉर्मूला विच वी हैड सीन द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। एक बार मैं लिखता हूँ ना, साथ साथ देखते जाओ और स्क्रिबल करते जाना। ये वैल्यूज याद रखना है मेनली, बट एक बार मैं लिखते भी जा रहा हूँ। देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू ax² + bx + c। आई कैन राइट इट एज ए टाइम्स x² + b/ax + c/a। आई कैन ऑल्सो राइट इट एज, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में बदलना है तो b/2 करना पड़ेगा और b² / 4a² आ गया, तो उसको इधर अपने को माइनस करना होगा। राइट, ओके, फाइन। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ये क्या आ जाएगा? a टाइम्स x + b/2a² प्लस a से काट देते हैं तो c - b² / 4a। ठीक है, साथ साथ लिखते जाना गाइस, है ना? दिस इज जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ द बेसिक इक्वेशन इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, जैसा कि हम लोग एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट में भी किए थे। तो ये कितना आ गया? ए टाइम्स x + b/2a² प्लस अगर इसको माइनस कर देना तो यहीं से समझ जाओगे, एक स्टेप खा रहा हूं मैं, -b² - 4ac हो जाएगा। ये तुमको दिख जाएगा यहाँ पर कि क्या बचा, कॉन्स्टेंट कितना बच रहा है। इसको अगर समझ रहे हो ना, करके देखो, ये 4ac - b² / 4a है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो द सेम एफ एक्स ऑन अ बिट ऑफ रीअरेंजमेंट इन टू अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, इट बिकम्स लाइक दिस।
एक बार लिख लेना है, किसी को थोड़ा डाउट होगा एक बार फिर से करोगे तो वो समझ में आएगा, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए, मैक्सिमा या मिनिमा होगा वो तो अलग चीज है, पॉइंट क्या है किस वैल्यू पे होगा। तो यार देखो मैक्सिमा मान लो आप, मान लो ये पॉजिटिव है ठीक है, आपको मिनिमाइज करना है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ क्योंकि वेरिएबल्स में समझना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो अब भाई इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मिनिमम कब होगा, इसको जीरो करोगे ना तो किस वैल्यू पे ये जीरो होगा, एक्स को लेंगे माइनस बी बाई टू ए, और एवरीवन ये अगर हो गया जीरो तो बच क्या गया, एफ एक्स यानी वाई का वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए। यही फॉर्मूला हम लोग अभी स्टार्ट में देखे, बहुत लॉजिकल चीज है यार, दो तीन चीजें ही होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कॉन्सेप्चुअली एकदम क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है। अगर किसी को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना, एक बार रीडू करने का इसको, सेम एक्सप्रेशन से सब कुछ डिराइव हो जाता है। नोट करके गिव मी अ राउंड ऑफ थम्स अप इफ वी आर क्लियर हियर। मैक्सिमम मिनिमा हैपेंस एट माइनस बी बाई टू ए एंड द मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू इज माइनस डी बाई फोर ए, वी गेट दिस फ्रॉम द एक्सप्रेशन। तो क्लियर, ओके। एक बार फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो मान लो मिनिमा निकालना है, ए पॉजिटिव है, मिनिमाइज करना है तो इसको जीरो करना पड़ेगा, किस वैल्यू पे जीरो करोगे, एक्स को माइनस बी बाई टू ए पुट करोगे, और अगर ये पूरा जीरो हो गया तो बच क्या गया, वैल्यू कितना बचा, माइनस डी बाई फोर ए। ऐसे विजुअलाइज करो और इसको नोट कर लो, एक बार थम्सअप दे दो गाइस फिर आगे बढ़ेंगे। अरे शर्माने का नहीं, कम ऑन, थम्सअप तो चलता है यार। थैंक्स उत्कर्ष, एक दो लोग और दो कंप्लीट करने के बाद। ओके आर्यन, जसलीन डन, ऑल राइट निखिल, ओके। सो इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, थैंक्स संजय, ओके संजय यू ज्वाइन लेट, तो इसका वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा ना, एक बार बाद में गो थ्रू कर लेना ठीक है। ऑल राइट, वॉट बेसिक जो कैट रिलेवेंट बेसिक पार्ट हमने आज देखा, सिंपली वी लर्नड हाउ टू प्ले विद दिस इक्वेशन, वी लर्नड हाउ टू प्ले विद दिस इक्वेशन, वी लर्नड हाउ टू प्ले विद दिस दीज सम प्रोडक्ट ऑफ रूल्स, वी लर्नड हाउ टू अंडरस्टैंड ए ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, ऑल्सो वी लर्नड द मतलब ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, है ना, समझो। ये सारी चीजें एक कैट एस्पिरेंट को एकदम फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, कैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन टफ नहीं लगता था, ठीक है। तो द थिंग्स द आइडिया ऑफ द कॉन्सेप्ट पार्ट वॉज, ये सब लोग पढ़े हैं स्कूल में, लेकिन क्या चीजें एकदम इंपॉर्टेंट है कि माइंड में क्लैरिटी के साथ रहे, है ना, दीज थिंग्स वी जस्ट नोटेड डाउन, है ना। सो विद दैट आई वेट फॉर 15 सेकेंड्स, इफ समबडी वॉन्ट्स टू नोट एनी ऑफ दिस डाउन, ये लास्ट पार्ट में टू समराइज, देन वी विल मूव टू द एग्जाम्पल पार्ट ऑफ टूडेज सेशन। ओके चलिए, नाउ एज डिस्कस्ड राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, लेट्स मूव टू पार्ट टू ऑफ द एजेंडा। वी विल ट्राई टू अप्लाई दीज इनटू टू सिंपल एग्जांपल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट एजेंडा पॉइंट मैं एक बार चैट में लिख रहा हूँ, ध्यान से सब लोग इंस्ट्रक्शन सुन लो, अकॉर्डिंगली वी विल प्रोसीड। मैं ये आपके ग्रुप में शेयर करूँगा, ठीक है, आप इनको ट्राई करोगे। It is 8:20 by my watch, 8:20:21, 8:28, yeah, 8:28, I'll discussion of examples will begin, ठीक। तो 7 minutes approx try करने के लिए देते हैं, जितना सीखे ना fundamental पे examples बनेगा, इनको discuss करेंगे फिर अपन sheet पे jump करेंगे, ठीक है। तो एक बार try करो, जितना पढ़े हैं उससे बन जाएगा फटाक से, एक मिनट दो। Just give me a minute.
चलो ये दो क्वेश्चन बनाओ तो फटाक से, कोई भी एक जन थम्स अप दे तो मिल गया ना। ऑल राइट, थैंक यू। ट्राई दीज टू क्वेश्चंस एवरीवन। Okay, anyone, just confirm once, is the whiteboard visible with the questions? All right, thank you. So, yeah, the first level of chart quadratic equation is undoubtedly to understand applying what we learned. Smallest value of this expression, fx is equal to 3x square minus 4x plus 7. Okay? डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, 84 माइनस 68 हो गया। स्मॉलेस्ट वैल्यू मिनिमा है ना, ए इज पॉजिटिव तो मिनिमा ही आएगा ऑब्वियसली। तो क्या बोले थे, वाई इज इक्वल टू माइनस डी बाई फोर ए, तो माइनस ऑफ माइनस 68 यानी प्लस 68 बाई 4 इंटू ए कितना आ गया, 68 बाई 12 34 बाई 6 17 बाई 3, तो आंसर इज नन ऑफ द अबव। जल्दी से एक राउंड थम्स अप दे तो समझ में आया, तो सिंपल फॉर्मूला लगाना था, स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी मिनिमा निकालना है, अभी पढ़े हैं याद रखने का है, दैट इज द पॉइंट। नहीं तो अननेसेसरली दिमाग लगाओगे, क्यों दिमाग लगाना है जब फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक बार समझने में दिमाग लगा लिए ना, काम डन। जस्ट वेटिंग फॉर 15 seconds, इफ एनीबडी हैज टू नोट, नोट इट डाउन। ऑल वी डिड वॉज फाइंड आउट माइनस डी बाई फोर ए, माइनस डी मैक्सिमा मिनिमा स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब मिनिमा वही निकालना था, फॉर्मूला होता है सबका, ठीक है। दिस इज एलिमेंट्री एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलाज व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर टू। एक बार एक दो लोग, जसलीन एंड अभिषेक बताओ, गॉट द फॉर्मूला? यस, थम्स अप दे दो एक बार इफ यू आर क्लियर। Jasleen clear, Abhishek clear, very good, theek hai. Okay, everyone, now look at question number 2. Find the value of k in the quadratic equation, equation hona chahiye, kx square minus 3x plus 2 is equal to 0, one root is double of the other. Ek root ko alpha lete hai, toh dusra kya ho jayega, 2 alpha, theek? Sum of roots kitna ho jayega, 3 alpha is equal to, yaad rakhna, minus positive, na? Minus b by a, yani 3 by k. और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी 2 अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो 2 बाई के है ना। क्या निकालना है भाई, अपने को k का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा को रिप्लेस कर देते हैं सेकंड वाली इक्वेशन में, इससे निकालते हैं अल्फा कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, अल्फा हो गया 1 बाई के, पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 2 बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई के, कटा कटा 1 गया गया, k इज इक्वल टू 1। एक मिनट वेट करूंगा, किसी को नोट करना तो नोट करो, जो लोग आंसर्स नहीं भेजे थे मेरे को गॉट इट बताओ, थम्स अप दे दो अगर क्लियर है, वेरी गुड। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट डायरेक्ट एप्लीकेशन, आई विल वेट फॉर अनदर 30 seconds, इफ समबडी इज नोटिंग नोट इट डाउन। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए है ना, ये लगा दिए अल्फा प्लस 2 अल्फा, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू 2 अल्फा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए यानी 2 बाई के, दोनों में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है, वेरी गुड। सो वी आर बिकमिंग कंफर्टेबल ऑन द टॉपिक नाउ, दिस रिदम, दिस थिंग शुड बी इन योर मेमरी टिल कैट, इट्स ऑल अबाउट रिमेंबरिंग है ना, वी हैव स्टडीड इन स्कूल, याद रहेगा फास्ट बनेगा। सो अगेन गोइंग बैक टू द एजेंडा, after this concept application, the third point of the agenda, now I'm sharing the instructions for the class further, listen carefully again everyone, dekho apan kya karenge, main ek sheet share karunga and I will give you 20 minutes theek, and then uska main solution bhi share karunga, solution ki hai na, and I will give
another 5 minutes, है ना. तो इट इज 8:33:34, है ना. अपन अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते हैं 8:59 PM, ठीक है, तक आपको ये फिनिश करना है. मैं सॉल्यूशन की 5 मिनट पहले शेयर करूंगा इस टाइमलाइन के खत्म होने के पहले, ठीक है. आपको शीट अटेम्प्ट करना है. वंस दिस टाइम इज डन, अगर आपको ऑल क्लियर है तो यू आर फ्री टू लीव इफ यू वांट, ठीक. आफ्टर दैट 8:59 PM फिर अपन स्टार्ट करेंगे. मैं 2-4 डाउट्स, क्योंकि मैक्सिम तो क्लियर हो जाएगा, जो डाउट होगा उसका डिस्कशन होगा सॉल्यूशन वाले, ठीक. एक बार थम्स अप दे दो, आर वी क्लियर विद द एजेंडा. शीट भेजता हूँ मैं. Cool. Just give me a minute. So remember, 8:54 पे solution hint की मिलेगा, check कर लेने का, ठीक है. और 8:59 पे जिनका doubts है, doubt discussion होगा, ठीक. तो start everyone. सेलेक्ट एंड सॉल्व जितना बन सके. शीट भेज दिया मैंने.